हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ई लर्निंग अकाउंट्स एंड मैथ्स। आज हम करेंगे जनरल एंट्रीज का क्वेश्चन नंबर 29। इसमें फिल करना है। इसमें देखिए, नरेशन में क्वेश्चन दिया हुआ है, नरेशन पढ़ के आपको उसके जनरल एंट्रीज बनाना है। गुड्स ऑफ द लिस्ट प्राइस 5000, सोल्ड एट 10% ट्रेड डिस्काउंट एंड 2% कैश डिस्काउंट। गुड्स 5000 पे बिका है जिस पर 10% ट्रेड डिस्काउंट एंड 2% कैश डिस्काउंट है। तो इसका कैलकुलेशन हम कैसे करेंगे? पहले हम ट्रेड डिस्काउंट निकालेंगे। 5000 इंटू 10/100, ये हो जाएगा 500। 5000 में से हम 500 माइनस करेंगे, ये हो जाएगा 4500। अब हम 4500 का 2% कैश डिस्काउंट निकालेंगे, ये हो जाएगा 90। अब देखिए हम एंट्री कैसे करेंगे इसकी। गुड्स ऑफ द लिस्ट प्राइस 5000 सोल्ड हुआ है तो 2 सेल्स हो गए यहाँ पे, एंड हमने गुड्स बेचा है तो बदले में हम कैश रिसीव करेंगे, तो यहाँ हो जाएगा कैश अकाउंट डेबिट। एंड हमने बेचा है तो हमने डिस्काउंट अलाउ किया है, तो डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू सेल्स। 4500 में से 90 माइनस करेंगे, ये हो जाएगा 4410, 90 एंड 4500। फर्स्ट एंट्री हो गया। अब सेकेंड एंट्री देखिए, परचेज अ मोटर कार 80,000 एंड पेड 5000 एज रिपेयर, इंटायर पेमेंट मेड बाय चेक। देखिए, मैंने हमेशा बताया, जब फिक्स्ड एसेट कोई परचेज किया जाता है एंड उसके साथ कोई एक्सपेंस होता है तो फिक्स्ड एसेट का नाम लिखा जाता है एंड पेमेंट चेक से हुआ तो बैंक लिखेंगे। रिपेयर की अलग से एंट्री हम नहीं करेंगे। तो इसमें हो जाएगा मोटर कार, डेबिट टू चेक के थ्रू पेमेंट हुआ है बैंक, 80,000 प्लस 5000 85,000 एंड 85,000। थर्ड एंट्री देखेंगे, चतुर्वेदीज अकाउंट सेटल कैश डिस्काउंट 3%। क्वेश्चन दिया हुआ है एंड कुछ जनरल एंट्रीज इसमें ऑलरेडी दिया हुआ है, हमें बस ये क्रेडिट साइड वाला फिल करना है। तो देखिए, इसमें लिख रहा है कि चतुर्वेदी को पेमेंट किया है हमने, इसलिए चतुर्वेदी यहाँ डेबिट में रिसीवर हो गया है, एंड हमने कैश पेमेंट किया है तो 2 कैश, एंड हमने पेमेंट किया है तो हमने डिस्काउंट रिसीव किया है तो 2 यहाँ डिस्काउंट रिसीव हो जाएगा, 2 डिस्काउंट रिसीव अकाउंट। 5000 पे 3% का डिस्काउंट मिला है, तो ये हम कैलकुलेट कर लेंगे। 5000 इंटू 3/100, ये हो जाएगा 150। तो यहाँ पे 150 एंड 5000 माइनस 150, ये हो जाएगा 4850। फोर्थ एंट्री हम देखेंगे, 70 पैसे पर रुपए रिसीव फ्रॉम दी स्टेट ऑफ अशोक ऑन हिज इंसॉल्वेंसी। तो देखिए, इसमें इंसॉल्वेंसी मैंने पहले बताया, जिस एंट्री में इंसॉल्वेंसी है मतलब वो बैड डेट्स का क्वेश्चन है। अशोक जो इंसॉल्वेंट डिक्लेयर हो गया, उसके पास से हमें 70 पैसे रुपए में पेमेंट मिला है। जिसने हमारा 8400 लिया था, उसने हमें 70 पैसे पर रुपए में पेमेंट किया, उसके बाद वो नहीं करेगा। बैड डेट्स हमारा लॉस होता है तो उसकी एंट्री हम डेबिट में करते हैं। यहाँ डेबिट में एक स्पेस खाली है, तो यहाँ पे हम फिल करेंगे बैड डेट्स अकाउंट डेबिट एंड टू अशोक। देखिए, यहाँ 8400 ऑलरेडी दिया हुआ है, तो 8400 का हम कैलकुलेशन करेंगे। 8400 इंटू 70/100, ये हो जाएगा 5880। तो इतना पेमेंट हमें मिला है, तो ये हम बैंक में लिखेंगे 5880। एंड कितना हमें नहीं मिला है, तो 8440 माइनस 5880, ये हो जाएगा 2520। माइनस कर देंगे तो आ जाएगा। अब हम नेक्स्ट एंट्री देखेंगे, फॉर गुड्स यूज बाय प्रोप्राइटर फॉर पर्सनल यूज। पर्सनल यूज के लिए गुड्स यूज किया है, तो ये हो जाएगा ड्रॉइंग। ड्रॉइंग हमारा एक्सपेंस होता है तो डेबिट में चला जाएगा, ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट। टू गुड्स विड्रॉ हुआ है तो टू परचेज अकाउंट। 3000 ऑलरेडी यहाँ लिखा हुआ है,
फॉर रेंट ड्यू टू लैंडलॉर्ड। यहाँ देखिए क्या कह रहा है, लैंडलॉर्ड को रेंट देना था बट ड्यू है, दिया नहीं है। तो जब ड्यू रहता है तो उसे हम आउटस्टैंडिंग कहते हैं। यहाँ हो जाएगा रेंट टू रेंट, आउटस्टैंडिंग हमारे क्रेडिट में जाता है, डेबिट एंड अकाउंट। सो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 29 हमने कंप्लीट कर लिया। इफ यू लाइक माई वीडियो देन प्लीज लाइक शेयर एंड कॉमेंट एंड डू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।